हरियाणा तू दही का खाना मारा हरियाणा। हरियाणा की बोली हो तो बड़ी मीठी है, लेकिन थोड़े रोहतक जिले की तरफ चले जाओ, आजकल तो फ्लाईओवर भी बहुत बढ़िया बन गया है, पानीपत से तो एक ही घंटा लगता है, पहले 2-3 घंटे लग जाते थे। रोहतक की बोली इतनी मीठी, टाइम पूछ लो तो सामने से जवाब आता फांसी चढ़ देंगे, रास्ता पूछ लो भाई साहब सड़क कितनी जा सी, बोले भाई साहब सड़क कहीं नहीं जाएगी, आप ही को जाना पड़ेगा। एक हरियाणा की जाटनी, देखो जाट बड़ा और उसको जो संभालती है वो उससे भी बड़ी जाटनी। अब जाटनी घर में झाड़ू काटने लग रही थी, एक साधु छोरा सा बाहर से निकला, अलख निरंजन। जाटनी डर गई, बोला कौन है? बोला मैं जोगी हूं। जाटनी बोली तू थोड़ी ना जोगी, जोगी तो मैं। बोला कैसे? बोले भारी काटन जोगी, बर्तन मांजन जोगी, रोटी पकावन जोगी। जोगी बोला फिर मैं कौन? बोला तू जोगा, बाहर काटन जोगा, बाहर चाट। तो जाटनी की बात भी न्यारी से भाई। इब चार चाट रोहतक जिले के चारा के मन में आई, बोला खाटू श्याम जी ने जावांगे, बाबा से मिल के आवांगे, कुछ लेके आवांगे। तीन तो गए थे मंगने, क्यों? तीनों के पास 1 एकड़ जमीन थी। इब चौथे के पास गाड़ी थी और उसके पास थे 250 एकड़ जमीन। अब जिसकी कोठी दाणे उसके कमले भी सियाने। अब चौथा बोला भाई मैं क्या करूंगा जाके, मेरे पास तो बखेरा माल है। थम जाया, बोला ना तेरे बगैर कौन आ जाते। बोले मैं करूंगा के जाके। बोले देख के आजिए, जरूर थोड़ा मांगना है, बापा कौन सा पकड़ के बिठावे है कि ना लेके जा। बैठ गया जी गाड़ी में। अब चारों पहुंच के बाबा शाम के दरबार में, बोलो जय श्री श्याम। एक बार और कह दो जय श्री श्याम, एक बार और कह दो जय श्री श्याम। भाई चार थे, चौथी बार भी कह दो जय श्री श्याम। एक पहले की बारी आई, बाबा बोला भाई क्या चाहिए? जाट रोन लग गया। बाबा बोला भाई रोता क्यों है? बोला बाबू जी आज तक इतने यार रिश्तेदार मिले, बोले कुछ दे जा, तू पहला बाबा ही सामने आ गया, कुछ ले जा। तो एक काम कर, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है और मैं जब खेता में जाऊं मेरे पैर में दर्द रहे है, तुमने एक चमचमाती, बाबा ने लगा कोई गाड़ी मांगेगा, एक चमचमाती हीरो साइकिल दे दे, पैडल मार के पूछ दूंगा। बाबा ने खुश होके हीरो साइकिल दे दी। अब दूसरे की बारी आई, दूसरे ने थोड़ा सा ट्रेंड हो गया, बोला थोड़े रोने पे साइकिल मिला है, तो थोड़ा ज्यादा रोन लग गया। बोला बाबा, बोला क्या होया? बोला बाबा मैं भी खेता में जाऊं सू पर मेरे ते पैडल कोना लागते, तुमने एक चमचमाता, बाबा ने लगा हेलीकॉप्टर मांगेगा। बोला मारुति छोड़, तुमने हीरो वांडा दे दे टू व्हीलर। बाबा बोला जा तू भी ले जा। इब तीसरे की बारी आई, तीसरा पानीपत का दो को देख के और ट्रेंड हो गया। बोला बाबा पहले वाला साइकिल ले गया, दूसरे वाला चेतक ले गया, कि फूट फूट के रोने लग गया। बोला बाबा, बोले क्या होया? बोला बाबा मैं भी खेता में जाऊं सू मेरा वजन बहुत कम है। बाबा बोला फिर वजन चाहिए? बोला ना बाबा, मेरे बापू ने मेरी ड्यूटी खेता में पानी डालने की लगा रखी है और पाइप में प्रेशर इतना ज्यादा और मेरा वजन इतना कम है, मैं यहाँ से चालू होता हूँ अपने आप घूम के यहाँ जाता हूँ। तो तू एक काम कर, मैंने 2-2.5 करोड़ रुपए की चमचमाती लाल फरारी दे दे, खिड़की खोल कर पानी दिया करूंगा खेता में जाकर। बाबा बोला जा तू भी ले जा। चौथे की बारी आई, चौथा था अणखी, मांगण तो गया नहीं था। बाबा बोला तने के चाहिए? अब किसी की दुकान में चले जाओ और सामान लेना नहीं है तो दुकान का मालिक पूछ लेता, हाँ जी भाई साहब कैसे? और सामने वाला महाराज जैसा हो तो जवाब क्या आता है? देख भी नहीं सकते, माल देखेंगे तो नहीं चलेंगे। एक पापा ने जाट से पूछ लिया, भाई कैसे? जाट भी आगे से जवाब, ऐसे आ भी नहीं सकते, मांगना जरूरी है, नहीं फिर भी खड़े भी नहीं हो सकते क्या? पर्ची पहले देनी पड़ती है। पापा बोला तू आया किस लिए? बोला मैं मांगण मांगण तो नहीं आया, बड़े व्हाट्सएप फेसबुक पे मैसेज आ रहे थे खाटू वाला ऐसा है, खाटू वाला वैसा है, मैं तो देखने आया था कुछ करता भी है या सिर्फ मैसेज में ही है। लेकिन बाबा सच में तेरे दरबार में ना कोई अदना है ना कोई आला है और तू नहीं देखता कि कौन गोरा और कौन। तो पापा बोला तने चाहिए के? जाट बोला खाटू बने श्याम जड़ी। आप
तू बड़े श्याम दे हम बचस का एक तेरी यारी का हाथ मन छेतक चाहिए जी ना चस का लाल। तो भाई जिसको यारी चाहिए लगता तारी की दोनों हाथ खोल के बिल्कुल सीधे 1 2 1 2 3 4 चाहिए दोनों हाथ
खोल के ना तो हम जब तक चाहिए जी ना जब लाला लुभाई का जब तक चाहिए जी Hello.
We'll be right back.
शाम दड़ी तेरा चर्चा हो जाता है।